तो प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मेरा आज का ये वीडियो लाने का उद्देश्य ये है कि आपका ये रियल पेपर है या फिर आपका वायरल पेपर है या नहीं है। ठीक है, आज मैं इसमें कंफर्मेशन करना चाहता हूँ कि देखिए ये पेपर आपको लग तो रियल रहा है। ठीक है, देखिए आपको टोटल क्वेश्चन 15 दिए हैं और यहाँ पे आपको 3 आवर्स दिया है। मैक्सिमम मार्क आपको यहाँ पे 80 आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 18 फरवरी को सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, है ना। तो इसलिए आपको क्या है, इसमें आपको जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ये पैराग्राफ है आपका, तो आपको इसका हर एक पैराग्राफ को आपको आंसर इनका क्या है आपको रीड करना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है और अभी 4 दिन पहले यहाँ पे बचे हुए हैं। क्वेश्चन की आपकी कोई प्रकृति ये नहीं होती कि ये क्वेश्चन नहीं ही आएगा, है ना। तो ये आपका पेपर है और देखो अच्छे से आप को, यदि आपको लगता है कि आपका हेल्प किया जा रहा है यहाँ पे, तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना और सारे क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आपका ये पैराग्राफ आपका जो है यहाँ पे इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद मैं इनका आंसर आपको दे दे रहा हूँ। बस आप क्वेश्चन का आंसर आप रख लीजिएगा। इसके साथ आपको यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चन आपको ऐड करूंगा, आपको वो पैसेज भी आपको पढ़ के जाना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 17 फरवरी के पेपर में गर्दा उड़ाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया है आपको यहाँ पे, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। ठीक है, ये आपको मैं लिखित आंसर दे रहा हूँ, 80 में 80 की गारंटी होगी अगर ये पूरा क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम आता है और गर्दा भी मचाओगे आपको टॉपर बना के छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन देख लो, आपके पहले क्वेश्चन का आपको आंसर 4th स्टेट आपको रट्टा मार के रखना है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको सोशल रूलिंग ग्रुप ऑफ क्लास, यहाँ पे आपको ये आंसर याद रखना है। तीसरे क्वेश्चन का आपको यहाँ पे इस पैसेज का जस्टिस ऑफ पीस याद रखना है है, और चौथे क्वेश्चन का आपका आंसर यहां पे शेपिंग पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, ये आंसर कर लीजिएगा रट के। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, अल्टीमेट पावर सब्जेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ द लॉ ऑर्डर। ठीक है, आपको ये करना है। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे अभी भी इसमें है, एंड पब्लिक मोरलिटी। ठीक है, इसके बाद छठा देखिए यहाँ पे आपको आंसर द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर रीडर्स आपको आंसर याद करके जाना है। और इसके बाद सातवा आपका यहाँ पे आंसर एजुकेशन ऑफ द जनरल मास ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यदि आपके पेपर में आ जाएंगे तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको इसे याद करके जाना है। ये सभी आपके क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन है, उसमें ये है, अच्छे से आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपको आठवा का क्या लिखा है, कंट्रोलिंग लाइफ एंड थॉट ऑफ द अनेसन, आपको ये आंसर रख लेना है। और नवा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इज नॉट वेरी आपका हाई, और यहाँ पे तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सलूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं, IIT, JEE या फिर नेट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो यहाँ पे आपका लिखा है रेड सुपरफेशियली फॉर द जनरल मीनिंग। ठीक है, आपको यहाँ पे ये आंसर करना है। अब कुछ पैसेज और जो आपको यहाँ पे पढ़ के जाना चाहिए, चलिए आपको हम बताते हैं। तो देखिए आपको ये आपको एक और पैसेज आपको पढ़ के अच्छे से जाना है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, तो ये पैसेज अच्छे से देख लो और यहाँ पे इन क्वेश्चन के आंसर आपको हम बता दे रहे हैं, कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे पहले का आंसर आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांच पुट डाटा इन ऑर्डर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ ऑटोमेशन, आपको इसका आंसर द प्रोसेस बाय द विच मशीन कैन बी यूज वर्क फॉर अस आपको करना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यहाँ पे कंप्यूटर कैन बी यूज क्या क्या यूज करता है, तो डू डायग्नोज द नेचर ऑफ पेशेंट इलनेस। और चौथा यहाँ पे, व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, तो आपको यहाँ पे आंसर डी नंबर करना है। क्या आपका हो जाएगा, आपको यहाँ पे कंप्यूटर टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन, आपको ये चीजें चाहिए कंप्यूटर को इंटरसेट करने के लिए। पांचवा आपको यहाँ पे द एंटोनिम वर्ड ऑफ डिसेबल, डिसेबल मतलब होता है निष्क्रिय, तो आपको इसका सक्रिय आपको यहाँ पे इनेबल करना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द वर्क फ्रॉम द अल्टरनेटिव, तो आपको इसका आंसर अल्टरनेट करके जाना है। यही क्वेश्चन आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए सभी क्वेश्चन आप पढ़िएगा। जितना आप YouTube पर वीडियो देखते हैं उनसे आप ज्ञान लीजिए। लीजिए कैसे, कि भाई आपका पेपर इसमें से बिल्कुल आ सकता है, कोई आपको फेक पेपर अगर पुराना देता है तो बात अलग होती है, लेकिन आपको यदि मॉडल पेपर देता है या फिर आपके क्या प्रश्न बैंक के देते हैं तो आप उसे पढ़िए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका आना है। सातवां क्वेश्चन, इन फ्यूचर डैश में इनेबल ह्यूमन बींग टू इंजॉय मोर लीजर देन ऑटो,
ठीक है, द टुडे। तो आपको आंसर यहाँ पे आंसर ऑटो मोशन करना है, आठवें का आंसर ये पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आपको कंप्यूटर कर देना है। और नब्बे नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम द पैसेज फाइंड सिनोनिम्स, आपको यहाँ पे फ्रीड का आपको रिलीव करना है, ठीक है, ये आंसर कर लीजिएगा। दसवां क्वेश्चन, फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंटोनिम, सिंपल का आपको यहाँ पे देखिए सरल, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, यानी आपका यहाँ पे पैसेज में आपका दिया है, कॉम्प्लेक्स दिया गया है इसी में, ठीक है, आपको पैसेज में दिया गया है, और इसमें रिलीफ भी आपका दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये इसी आपको पैसेज में मिल जाएंगे। यदि आप इसमें चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रिलीफ मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट वाले में आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका रिलीफ हो जाएगा। और यदि आप वो वाला कॉम्प्लेक्स वाला, तो आपका उसका भी आंसर यहाँ पे सबसे ऊपर आपका मिल जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है देखिए ये पैसेज में, तो आपको इस प्रकार से आंसर करना है। अब आपको यहाँ पे एक मैं आपको क्या बताता हूँ कैसे करना है, आपको यहाँ पे नोट मेकिंग समरी, तो आपको ये नोट मेकिंग समरी भी आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे डॉल्फिन के बारे में पूरा बताया गया है। तो चलिए इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, ये सिंपल होता है, कुछ भी इसमें करना नहीं होता है, तो आपको सिंपल आप इसमें आंसर कर सकते थे। तो इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं, आपको डॉल्फिन वाले का, तो आपको यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट आपको आंसर लिखना है। देखिए आपका पहला, आपको यहाँ पे एक पॉइंट डाला गया है आपको डॉल्फिन के बारे में, तो डॉल्फिन के बारे में आप पॉइंट बाई पॉइंट ऐसे लिख दीजिए। देखिए आपका जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको समझ कर करना है, उसमें से आपको कुछ पॉइंट्स आपको निकालने हैं। निकालने कैसे, मतलब कि एक आपको संक्षिप्त वर्णन देना है, पैराग्राफ तो आपको बहुत बड़ा होता है, तो उसी में से जो आपका यहाँ पे लाइंस कुछ हों, तो आप इसमें एक पूरा लाइन जो है आपको लिख लिख के आपको डालना है। और इसमें आपको देखिए डॉल्फिन के कुछ आपको एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लिख देनी है, तो आपको यहाँ पे तीन पॉइंट आपको बना के दे दिया गया है, और टाइटल आपको यहाँ पे ये दे दिया गया है, ठीक है। अब बात करें आपको यहाँ पे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में आपके क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद करके जाना है। सबसे पहली बात, एक नोटिस बोर्ड आपको यहाँ पे एलसीडी टीवी के बारे में, या फिर आप अलमीरा एक बेचना चाहते हैं, आप एक नोटिस देना चाहते हैं, तो ये, और एक आपको ड्रॉप एट्रैक्टिव पोस्टर फॉर सेफ ट्री सेफ अर्थ के बारे में, है ना, तो इसका भी आंसर आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे एक आपको पोस्टर का आंसर आपको दिया जा रहा है, आप इसे बनाएंगे आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपका सेफ ट्री और सेव लाइफ सेव अर्थ के बारे में आपको ये वाला भी चाहिए तो आप उसके जगह में आंसर बना सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं इसमें किसका आंसर, ये वाले का आंसर आप जो यहाँ पे आपको रट कर जाना है। देखिए आपको ये एक आपको एडवर्टाइजमेंट आपको, ठीक है, यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट आपको 50 वर्ड में। तो चलिए इसका आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे चलते हैं आपका कुछ लेटर राइटिंग के क्वेश्चन, तो इसका भी हम देख लेते हैं। तो आपको लाउड स्पीकर वाला, तो आपको 101% इसे रट कर जाना ही जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आएगा ही आएगा पेपर में, और साथ में आपको यहाँ पे एक बर्थडे पार्टी के लिए, इसके साथ आपका जो यहाँ पे प्रश्न बैंक में अदर क्वेश्चन है आप उन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप ये लिख लीजिए इसका आंसर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अच्छे से इसे रट लीजिएगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। और इसके बाद उसके अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, हर्षवर्धन नगर भोपाल में रहता है, आपको अंकल को लिखना है और लिख दीजिए। लास्ट में आपको यहाँ पे नेफ्यू हरि तिवारी आपको आंसर करना है। चलिए ये आप कर लिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो इनमें आप एक क्या करेंगे, आपको यहाँ पे 200 वर्ड में आपको यहाँ पे एक लिखना है आपका निबंध, तो निबंध आप लिखिएगा कौन सा, बंडर आप साइंस का याद कर लीजिए, है ना, आपको अच्छे से याद कर लेना है, या फिर आप कोरोना पैंडेमिक के बारे में आप आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद चलिए आपको आज मैं इतने क्वेश्चन बताता हूँ, और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन ला लेके आऊँगा जो आपके पेपर में जहाँ से आने वाले हैं। तो सेक्शन सी को आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको मॉडल पेपर से काम नहीं चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।